यहां से फौजें चलेंगी, सिया आलम बरामद होंगे और कोई ताकत उन्हें रोक न सकेगी, उनका मुंह फेर न सकेगी, यहां तक कि वो एलिया, एलिया हुजूर के जमाने में यरूशलम का नाम था, यहां तक कि एलिया में जाकर नस्ब हो जाए। गोया कि ये जो हमारे हाथ से निकला है कब्जे से, पहले भी अरबों के हाथों से निकला था बैतुल मक़दिस यरूशलम, अरब वापस नहीं ले सके थे, कुर्द खून सलाहुद्दीन अय्यूबी उसने वापस लिया, अरबों में दम नहीं रहा था, अय्याशियों की वजह से खोखले हो चुके थे। मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल, ताऊस और रुबाब आखिर। यही वजह है कि तकरीबन 20 सदी के बाद उनकी हुकूमत खत्म। आसमारा हक मुवद्दर खूम बारत बर जमी बर जवाल मुल्क मुस्तासिम अमीर मोमिनी, ये हुआ कि नहीं हुआ, जबकि आए हैं तातारी होर्ड्स और जिन्होंने के आखिरी खलीफा बलू अब्बास उसे महल में से निकाला एक खाल के अंदर लपेट कर और अपने घोड़ों के सूंड तले कुचल दिया, अरब माजूल कर दिए गए थे। लेकिन अब दोबारा अरबों को जब सहारा मिला है, लेकिन अब भी उन्होंने कहीं इस्लाम कायम नहीं किया, कोई रूस का गुलाम रहा, कोई अमेरिका का गुलाम रहा, किसी ने उसका साथ दिया, किसी ने इसका साथ दिया, तहजीब है तो मगरबी, तमद्दुन है तो मगरबी, वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यही मामला जब उनका हुआ तो अब अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर वो अजाब की भट्टी गर्म होने वाली है। लेकिन इसके बाद फिर यहां से जाएंगे वो जो उनकी मदद करेंगे, और ये एलिया को वापस लेने वाले ये मशरिक से चलने वाले लश्कर होंगे। ये इसी इलाके में जब इंकलाब आ जाएगा, ये इलाका खुरासान और पाकिस्तान, जब यहां निजाम खिलाफत कायम होगा, यहां से इस्लाम की तौसी होगी और यहां से जानिब मशरिक हिंद और जानिब मगरिब ये जो यहूदियों का सैलाब आ रहा है, इन दोनों का मुकाबला करने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़, वरना ये इसाबतान जो है एक हदीस में जमा करने की कोई और हिकमत हो नहीं सकती। वरना तो हिंदुस्तान पे कई लश्कर आए हैं, लेकिन ये कि दर हकीकत उसी वक्त जबकि आलम अरब में वो भट्टी दहकेगी, उसी वक्त यहां इंकलाब आ चुका होगा। एक तरफ यहां से मदद के लिए लश्कर जाएंगे कि जो मुसलमान अरब जो है उनकी मदद करेंगे, हजरत मेहदी के झंडे तले लड़ेंगे, हजरत मेहदी की हुकूमत को मुस्तकम करेंगे, यो अतेउन अलिल महदी, दूसरी तरफ वो हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी करेंगे। और यहीं से जैसे उस वक्त सैलाब निकला था जजीरा नुमा अरब से, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, उधर मिस्र, लीबिया, अलजजायर, मराकश, मारितानिया, इसी तरीके से इंशाल्लाह इसी इलाके से इसका आगाज होगा और बात आगे बढ़ेगी। तो गर्व असर हासिल क्या है, यह होना है, पिछले आसार साबित कर रहे हैं कि होना है, हुजूर की अहादीस बता रही है कि यही से होना है। हुआ सिर्फ यह है हम भटक गए, हमें अपनी मंजिल याद न रही। मैं तो बहरहाल उन लोगों में से हूं जिन्होंने नारे लगाए थे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं सन 46 में यहां हबीबिया हॉल में कायदे आजम ने मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के जिस इजलास को खिताब किया था, जिला हिसार से जो दो डेलीगेट आए थे उनमें से एक मैं था, मैंने बहरहाल उस तहरीक में भी हिस्सा लिया है, एक नन्हे कारकुन की हैसियत से लिया है, फिर हालात को बदलते अपने आंखों से देखा है। हम कहां से कहां जा पहुंचे हैं, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आज हमारा हाल यह है, हमारी कयादत, हमारी सियासत उन लोगों के हाथ में है कि वो फरेब खुर्दा शाही के पलाहों करगसों में, उसे क्या खबर के क्या है, तब वो ताबे जावे दाना, इनकी तहजीब मगरबी, इनकी जहनीत मगरबी, इनकी वजाकता मगरबी, इनका तमद्दुन मगरबी, इनकी सोच मगरबी, इनके सारे अतवार मगरबी।